Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony Live app डाउनलोड करें. Sony Live. We live to entertain. सर, संतोष का फोन था. उसने गांव वालों को सुभाष मोरे के सरकटी लाश हाईवे की तरफ ले जाते हुए देखा है. शायद वो लोग चक्का जाम करने वाले हैं. पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय. 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 पुलिस प्रशासन, रुक जाइए. प्रशासन, रुक जाइए. जब तक सुभाष का कटा हुआ सर नहीं मिल जाता और उनके कातिलों का पता नहीं चल जाता, अब हाईवे को जाम कर रखेंगे. चलो बढ़ो आगे. लो अनिल भैया, मार लो भोले बाबा का प्रसाद. अनिल भैया, वो हमारी साइकिल तो आ जाएगी ना? वो बाबूजी पूछ रहे थे, आपके भरोसे उस सरकारी स्कीम में इतना पैसा लगाया है ना? अनिल भैया गजब हो गया. इतना हाफ क्यों रहे हो? वो सुखाराम की बैल पीछे पड़ गई है क्या? बैल नहीं, पूरा गांव पीछे पड़ा है. वो सरकारी स्कीम वाली लल्लन और बच्ची पांडे दिल्ली के ठगी निकले. वो सिलाई मशीन ट्रैक्टर उस सब छूटा था, सारे पैसे लेके भाग गए. अरे कब से देगा तू अनिल? पहले पूरे घर का पैसा डुबोया, अब पूरे गांव वालों को डुबो दिया. अरे थोपड़ी में दिमाग है, उसको चिल्ला मार के फूंक दिया तूने. हम अपने भाई के बेवकूफी के लिए आप सबसे माफी मांगते हैं. गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई की है. इस काम के सभी लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, जिसकी वजह से पंचों ने पुलिस को नहीं बुलाया. पर तुम्हारे भाई की वजह से जिन लोगों के पैसे डूबे हैं वो तो लौटाने ही पड़ेंगे. तुम्हें एक साल का वक्त दिया जाता है ताकि तुम पर अधिक दबाव ना पड़े. अगर एक साल तक गांव वालों का पैसा चुकाते रहे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये बात अपने लाडले देवर से पूछो. अरे मैं कहता हूँ, ये झंझटों पर क्या जरूरत थी? अरे तो हम क्या जिंदगी भर खेतों में आपकी तरह मजदूरी करते बैठे? भैया आपने तो कभी बड़ा सोचे नहीं. अगर दावा सही लग जाता ना तो जिंदगी सवर जाती हमारी. जिंदगी कोई बछड़ा नहीं है जो पैदा होते ही खड़ा हो जाता है. किस्मत और जिंदगी बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. भैया मेहनत करने से सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, सपने नहीं. चुप रहो, हमारे सपनों के चक्कर में और कितना झेलेंगे हम? अरे तुम मत झेलिए ना. अरे अनिल, सब हमारा नाम धर्मपाल, ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा, टेम्पो ट्रैक्टर ये सब भाड़े पर देते हैं हम. कल रात हिसाब का पैसा लेकर लौट रहे थे तो गमछा पहने तीन लोगों ने हम पर हमला कर दिया, हमें पीटा. एक के पास तो बंदूक भी थी साहब, हमसे हमारे पैसे भी छीन लिए और फिर हमें बांध कर वहीं इंतजार करने लग गए. और फिर बेचारा वहाँ सुभाष आ गया और फिर अनिल और पीयूष आ गए. साहब हम और पीयूष वहाँ से खाट लेकर आ रहे थे, फिर अचानक हम पर लाठियों की बरसात होने लगी. हमें तो पता ही नहीं चल रहा था साहब के क्या हो रहा है. उन लुटेरों के चेहरे नहीं देखे तुमने, पर उनकी बातें तो सुनी होगी. वो क्या बातें कर रहे थे आपस में? नहीं साहब, आपस में ऐसा कुछ तो बात नहीं कर रहे थे, बस बार बार हमको धमका रहे थे. फिर हम सबको बांध दिया साहब और सुभाष भैया को वहाँ से पीछे की ओर लेके चले गए. और साहब फिर थोड़ी देर बाद हमने हिम्मत की, अपने हाथ खोले और अपनी जान बचाने के लिए भागे साहब. इससे पहले तुम्हारे गांव में कोई ऐसी वारदात हुई है क्या? साहब इससे पहले भी एक दो लूटपाट की वारदातें हुई थी, मगर वो लोग ऐसे किसी को साथ में नहीं लेके गए. प्रकाश, तुम्हारे भाई सुभाष की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? सुभाष भैया को हमने इतने सालों में किसी के साथ लड़ते झगड़ते नहीं देखा. शायद कोई ऐसा हो जो ये जानता हो कि रात को सुभाष खेतों को पानी देने जाने वाला है और उसने मौके का फायदा उठा लिया हो. साहब आमतौर पर खेत में रात को पानी देने मैं जाता हूँ. कल मैंने भैया से कहा कि इस बार मंडी मैं जाऊँगा. भैया कल आपकी जगह मंडी हम चले जाए, वो कुछ कपड़ा लेना था वो भी ले लेते. हाँ हाँ चले जाना. हमें नहीं पता था कि भैया के साथ ये सब हो जाएगा, ये सब हमारे कारण हुआ. अनिल, पीयूष और धर्मपाल तीनों के बयान बिल्कुल एक जैसे हैं.
लग तो यही रहा है कि मामला लूट का है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये मामला सिर्फ लूट का है तो फिर वो लोग सुभाष को अपने साथ क्यों ले गए? सर पूरा खेत और आसपास के जंगलों में छानते हैं। ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? सब इसमें छुपाने वाली क्या बात है, वो काम में अच्छा नहीं था, हमने उसे निकाल दिया तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सब आप भी कहां से कहां कनेक्शन ढूंढने में लगे हैं। अरे हाँ, कनेक्शन से याद आया, एक नंबर है, इस नंबर से पिछले महीने तुम्हें 3 बार कॉल आया था। ये नंबर किसी राजवीर चतुर्वेदी के फेक आईडी पर रजिस्टर्ड है। कौन है बंदा? सब कैसे याद रह गया आप ही बताइए, रोज न जाने कितने फोन आते हैं ये टेम्पो ट्रैक्टर का किराया जानने के लिए, उन्हीं में से किसी से बात हुई होगी हमारी, बाकी इस वक्त ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। याद आ जाता तो अच्छा होता, क्योंकि अगर तुम्हें याद आने से पहले हमने पता लगा लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। सर हम फोटो के बारे में बता चुके हैं, हम इनमें से किसी को नहीं जानते। सर हम धर्मपाल के यहां नौकरी करते थे, उसको सही नहीं लगा, उसने हमें निकाल दिया। प्रकाश तुम्हें क्या लगता है ये धर्मपाल मरवा सकता है तुम्हारे भाई को? तुम्हारे भाई की कोई दुश्मनी रही है धर्मपाल के साथ? सर धर्मपाल उस दिन खुद मरते मरते बचे, आप उस पर भी शक कर रहे हैं? आपके सवाल हो गए तो जाऊं मैं सर। सच बोल रहा हूँ भाई, सुभाष ने प्रकाश की शादी उसे बिना पूछे तय कर दी थी। एक बार हमसे पूछ तो लेते, हमें नहीं करनी है शादी। अरे इसमें पूछने वाली बात क्या है प्रकाश, हमारे बाबूजी ने हमसे पूछ के शादी की थी हमारी, अब देख हमने जुबान दे दी तो हमारी जुबान की कोई कीमत नहीं है क्या? शादी तेरी सुमन से ही होगी, बस बोल दिए। हाँ सच है कि हम सुमन से शादी नहीं करना चाहते, नाराज थे भैया से, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने भैया को मार दें। अगर हमें मारना ही होता ना तो हम अपनी बीवी को नहीं मार देते। मतलब मारने के बारे में तुमने सोचा जरूर। हम तो ये सोच रहे हैं साहब, आपके गोल गोल घुमाने में दिलचस्पी है, हमारे भैया के कातिलों को ढूंढने में नहीं। हमें शादी के खिलाफ थे लेकिन हम अपने भैया के फैसलों की इज्जत करते थे। सुमन के साथ शादी करके खुश हो तुम? जी नहीं, काट रहे, बिना किसी शिकायत के काट रहे। और मत मारना साहब, चल हो जा शुरू। सुभाष को मारने की सुपारी मुझे धर्मपाल ने दी थी साहब, तब उस रात को जो हुआ सब प्लान के मुताबिक हुआ, ताकि धर्मपाल पे किसी को शक न जाए साहब, लेकिन ये गड़बड़ हो गई जो हमने सोची भी नहीं थी। ये आ रहा है, बंदो बंदो जल्दी बंदो, अरे अरे ये तो सुभाष है यार, उसका बड़ा भाई। अरे तुमको जो खोपड़ी चाहिए किसकी भी चलेगी, तो अपने भतीजे के काट कर जा। भाई का बदला भाई से लेंगे, मार दो इसे। हम जानते थे कि बड़े भाई सुभाष ने पूरी फैमिली को जोड़कर संभाल कर रखा हुआ है, हमें लगा कि अगर सुभाष ही मर जाएगा तो उसका पूरे परिवार ही बिखर जाएगा और यही सजा होगी उसके किए की। किसकी बात कर रहा है, प्रकाश की अनिल की? प्रकाश की। एक वक्त था साहब जब प्रकाश हमारे लिए काम किया करता था, हम उस पर पूरा भरोसा करते थे, घर से कुछ भी लाना ले जाना हो तो उसको ही भेजा करते थे, लेकिन उसी ने हमारे घर पर टाका डाल दिया। लीजिए भाभी, हो गया आपका टीवी ठीक, कल ही तो ठीक किया था, बार बार बिगड़ क्यों जाता है? नहीं समझे, देखो हमारी आंखों में सुंदर नहीं है क्या? हम जब हमें ये बात पता चली तो हमने उसे काम से ही निकाल दिया और हमारी जिंदगी दुश्वार हो गई। शर्म नहीं आती तुम्हें मालकिन होकर हमारे मुलाजिम के साथ? अब तुमसे तो कुछ होता नहीं है मीनाक्षी, खबरदार ऐसी हरकत की तो हाथ तोड़ देंगे। प्रकाश इस घर में आता है, आता था और आता रहेगा, समझे? मीनाक्षी तो बेशरम, लेकिन प्रकाश को तो समझना चाहिए था, अपनी बीवी को धोखा दे रहा था, मेरा और उसका दोनों का घर उजाड़ रहा था वो। अब हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो फिर भी हमारे घर पर आता रहा, तो हमने तय कर लिया कि प्रकाश को हमारी बेइज्जती की कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने मिराज बनारसी को उसकी सुपारी दे दी और प्रकाश की किस्मत उस रात उसकी जगह उसका भाई सुभाष आ गया।
लेकिन अच्छा ही हुआ साहब, प्रकाश मर जाता तो छुटकारा मिल जाता उसे। वो पूरी जिंदगी मेरी तरह तड़पेगा, अपनी गलती पर रोएगा। यही चाहिए था मुझे, यही चाहिए था साहब। Sony Live. We live to entertain. Download the app.